नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। दिल्ली में बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले काफी ज्यादा हो गए हैं, कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और हॉस्पिटल में भी भारी संख्या में मरीज भर्ती होते दिख रहे हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब केंद्र इस मामले में अपना हस्तक्षेप रखने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दिल्ली सरकार संग एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। केंद्र का प्रयास है कि राजधानी में अब डेंगू के मामले और ज्यादा ना बढ़ें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली के लोग तेजी से डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा मलेरिया के मरीजों में भी वृद्धि देखने को मिली है। आइए विस्तार से जानते हैं इन दोनों बीमारियों के बारे में। बरसात का मौसम आते ही डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। ये एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। एडीज नामक मच्छर के काटने से लोग इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। बता दें कि ये मच्छर साफ पानी में ज्यादा दिखते हैं और अधिकांश लोगों को सुबह के समय काटते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एडीज मच्छर के काटने के तुरंत बाद आपको इसका पता नहीं चलता है, बल्कि करीब 3 से 5 दिन बीतने के बाद ही लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। जाने क्या होते हैं इनके लक्षण। एक्सपर्ट्स के अनुसार डेंगू होने की शुरुआत में मरीजों को सिर में तेज दर्द हो सकता है, मसल पेन और जोड़ों में दर्द से भी लोग परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा तेज बुखार, शरीर में ठंड लगने जैसे कपकपाहट, ज्यादा पसीना आना, कमजोरी, थकान, भूख में कमी, मसूड़ों से खून आना, उल्टी भी डेंगू का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार डेंगू के लक्षण सामान्य 3 से 14 दिन में दिखाई दे सकते हैं। वहीं कुछ लोगों में आंखों के आसपास दर्द, ग्रंथियों में सूजन, रैशेस जैसी दिक्कत भी लोगों को हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ मामलों में डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। गंभीर मामलों में ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऐसे में सांस लेने में कमी, बेचैनी, लगातार वोमिटिंग, यूरिन में ब्लडिंग और अत्यधिक पेट में दर्द भी हो सकता है। कैसे करें बचाव? डेंगू के खतरे को कम करने के लिए घर में और आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर और बाल्टियों में पानी भरकर ना रखें। कचरे के डिब्बे को हमेशा ढककर रखें और किसी भी खाली बर्तन में पानी रखने से बचाएं। साथ ही पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। वहीं मलेरिया की बीमारी मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इसे हेल्थ एक्सपर्ट्स दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक करार देते हैं। बरसात के मौसम में इस बीमारी की चपेट में आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ये हो सकते हैं लक्षण। इस बीमारी के आम लक्षणों में बुखार और बदन दर्द शामिल है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस रोग से पीड़ित मरीजों को ज्यादा ठंड लग सकती है और शरीर का तापमान 101 से 105 डिग्री फारेनहाइट तक बना रहता है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द, लीवर का बढ़ना, पेट दर्द, चक्कर, दस्त, एनीमिया, उल्टी और कपकपाहट हो सकती है। कैसे करें बचाव? मलेरिया से बचने के लिए साफ सफाई बरकरार रखना जरूरी है। घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें और नालियों में DDT का छिड़काव जैसे तरीके अपनाएं। साथ ही इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स खाएं। तो आप सभी बने रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और Instagram पर, लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।